चाइना में इस टाइम कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की जा रही है, चाहे वो वुहान शहर को क्वारंटाइन में रखने की बात हो, 10 दिन में दो बड़े हॉस्पिटल बनाना, या फिर कोरोना वायरस से मारे जाने वाले लोगों को दफनाने की बजाय जलाने वाली बात हो। चाइना इस टाइम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। शायद इसीलिए ये खबर सामने आई है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस से संदेह वाले हजारों लाखों लोगों को समाज से अलग थलग यानी कि क्वारंटाइन कर दिया गया है, उसी तरीके से अब चाइना की करेंसी नोट्स को भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्या ऐसा करने से चाइना में भी डीमोनेटाइजेशन जैसी स्थिति हो जाएगी जो इंडिया में हमने 8 नवंबर 2016 के बाद फेस की थी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर, क्यों डिस्ट्रॉय कर रही है चाइना अपने करेंसी नोट्स, ये भी बात करेंगे कि चाइना की सरकार कैसे कर रही है नोटों की सफाई, क्या असर पड़ रहा है कोरोना वायरस का चाइना समेत इंडिया की इकॉनमी पर, कैसे इसका फायदा भी मिल सकता है भारत को अगर प्रोएक्टिवली कदम उठाए जाएं तो। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर जानकारी के लिए आप सभी बने रहें मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आपको ऐसा लगे कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आगे के अपडेट्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना के वुहान शहर में फैले कोरोना वायरस के अपडेट्स को लेकर। कोरोना वायरस, जिसका नाम अब हो गया है कोविड-19, इस वायरस को कंट्रोल करने में अभी भी चाइना के लिए मुश्किल हो रहा है। ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर संभव एहतियात बरतने के बाद भी डे बाय डे इसके संभावित होने वाले लोगों का काउंट बढ़ता जा रहा है। इस वक्त कोरोना वायरस से जान गंवा चुके लोगों का आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है और इससे इन्फेक्टेड लोगों का काउंट 75,000 को पार कर चुका है, जिनमें से 12,000 लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल है। वो इस टाइम स्टेज 4 या स्टेज 5 में है। और डायमंड प्रिंसेस क्रूज शिप, जिसमें लगभग 3700 यात्री सवार कर रहे थे, जो जापान के योकोहामा पोर्ट पे खड़ी थी, एक कोरोना वायरस से संक्रमित यात्री के शिप पे ट्रैवल करने के बाद इस शिप को 19 फरवरी तक क्वारंटाइन में रखने का आदेश था। इस शिप में भी इस टाइम कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 621 पहुंच गया है। एक और भारतीय का टेस्ट कोरोना वायरस से पॉजिटिव आया है, जिससे कि शिप पर कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले भारतीयों का काउंट 7 हो गया है। अब बात करते हैं कि क्यों डिस्ट्रॉय कर रही है चाइना अपने करेंसी नोट्स। चाइना का कहना है कि अब इस वायरस की चपेट में इसकी करेंसी भी आ चुकी है। कागज के नोटों से इन्फेक्टेड होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा मानना है कि हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और बाकी पब्लिक प्लेसेस पर इस्तेमाल होने वाले कागजी नोट कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, और ये करेंसी नोट्स इंसानों में वायरस को फैलाने का जरिया भी बन सकते हैं, क्योंकि करेंसी नोट्स आपकी जेब में एक ऐसी चीज है जो हजारों लोगों के हाथों से गुजरकर आप तक पहुंचता है, तो साथ में कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस भी साथ लेके आता है। तो आमतौर पर हमें बेएहतियात बरतने को बोला जाता है कि नोट का लेन देन करने के बाद अपने हाथ बिना धोए, मुंह को ना छुए, ना ही कुछ खाएं। इसीलिए चाइना के गवर्नमेंट संक्रमित लोगों के हाथों से फैले नोटों को ठीक करने में जुट गई है। अब बात करते हैं कि चाइना की सरकार कैसे कर रही है इन नोटों की सफाई। ये नोट चीनी युआन हो, अमेरिकन डॉलर हो, ब्रिटिश पाउंड हो या फिर यूरो ही क्यों ना हो, घबराई हुई पीपल्स बैंक ऑफ चाइना PBOC सभी नोटों की सफाई करने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों से नोट वापस मंगवाए जाएंगे और उनके बदले में दूसरे नए नोट दिए जाएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के पास जाकर ही उनके नोटों की सफाई की जाएगी। सेंट्रल बैंक का कहना है कि नोटों की सफाई के लिए हॉट टेम्परेचर्स ऑफ यूवी लाइट्स यानी कि बहुत गर्म तापमान पे यूवी रोशनी का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद उन करेंसी नोट्स को वापस मार्केट में सर्कुलेट करने से पहले 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके या कह लीजिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ये घटनाक्रम यही साबित कर रहा है कि इस टाइम चाइना में हालत काफी नाजुक है,
जिसकी वजह से सरकार इतना एक्सट्रीम कदम उठाने पे मजबूर हुई है। हालांकि अभी तक इस बारे में कुछ विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है कि कोरोना वायरस किसी चीज के भीतर कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ये बात सच है कि करेंसी नोट्स इतने ज्यादा लोगों के हाथों से गुजरते हैं कि वायरस के ट्रैवल करने के चांसेस काफी हाई हैं। अब देखते हैं कि चाइना के इस कदम के चलते कितनी डगमगाएगी चाइना की इकॉनमी। आम तौर पर हर देश की सरकार हर साल अपने कुछ फीसदी नोटों को बदलती है, लेकिन कोरोना वायरस के मद्देनजर जितने बड़े पैमाने पर चाइना सरकार को इस टाइम ये एक्सरसाइज करनी होगी, उसमें इस रकम की तुलना में सैकड़ों गुना ज़्यादा रकम की सफाई करने और बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। इससे कुछ नेगेटिव इकोनॉमिक रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। चाइना गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ही हुबई प्रांत में बहुत बड़ी संख्या में नए नोटों की सप्लाई की थी। कोरोना वायरस का सबसे बड़ा संक्रमण वुहान शहर में हुआ है, जो इसी प्रांत में आता है। वुहान में कुछ दिन पहले 4 अरब यानी कि 4 बिलियन युआन के नए नोटों की सप्लाई हुई थी। पिछले महीने जनवरी में चाइना का केंद्रीय बैंक पूरे चाइना में 600 अरब युआन के नए नोट जारी कर चुका है। इस टाइम 6000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन से 800 मिलियन युआन सप्लाई हो चुके हैं। इतने बड़े स्केल पे इकॉनमी में बर्डन आने से आर्थिक व्यवस्था का डगमगाना लाजमी है। दोस्तों, अब ये सवाल भी उठता है कि जो करेंसी चाइना से दूसरे देशों में जा चुकी है, उसका क्या होगा? आपका इस पे कुछ कहना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब इन सब चीजों के चलते क्या असर पड़ रहा है इंडिया की अर्थव्यवस्था पर? भारत की बात करें तो भारत अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ केमिकल आदि भी चाइना से ही इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन चाइना में चलती स्थिति से इनके दाम बढ़ जाने की उम्मीद की जा रही है, जिससे पहले ही दिक्कतों में चल रही ऑटोमोबाइल सेक्टर पर और गहरा असर पड़ने की उम्मीद है। भारत के टूरिज्म पर भी इसका काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि साल 2019 में भारत में आने वाले टूरिस्ट में से लगभग 3% टूरिस्ट चाइना से ही थे। चाइना भारत का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। साल 2019 में भारत के कुल इंपोर्ट्स में से 14% इंपोर्ट्स चाइना से ही किया गया था। वहीं कुल एक्सपोर्ट्स में से 5% एक्सपोर्ट्स भी चाइना को किया गया था। कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फिगर्स में भी कमी आने की आशंका है। यही नहीं, भारत की डायमंड इंडस्ट्री को भी इसे काफी नुकसान हो रहा है। पैरासिटामोल जैसी आम दवाई में यूज होने वाले ड्रग्स जो चाइना से इंपोर्ट की जाती है, उसका दाम भी पिछले 10 दिनों में दुगना हो गया है। बाकी रह गई बात चाइना से आने वाले मोबाइल्स या टेक्नोलॉजी की, इनकी शॉर्टेज भी हो सकती है, जिससे इनके दाम भी बढ़ सकते हैं। ये हो गई परेशान करने वाली बातें। अब देखते हैं कि कैसे हो सकता है भारत को फायदा। भारत के लिए जहां कुछ नुकसान है, वहीं स्थिति का भारत को कुछ फायदे भी मिल सकते हैं। जैसे कि जो भी ग्लोबल बायर्स हैं, जो सेरेमिक प्रोडक्ट्स, होमवेयर, फैशन आइटम्स या फिर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट थे, वो अब उसी जगह इंडिया की ओर अपना रुख कर सकते हैं। और वहीं चाइना की लोकल प्रोडक्शन प्रभावित होने के कारण भारत केमिकल, पेट्रोलियम, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग गुड्स और प्लास्टिक जैसी चीजें चाइना को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यही नहीं, चाइना में चल रही स्थिति के चलते कच्चे तेल के रेट में भी कमी आ रही है, जिसका फायदा भारतीय बाजार को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइना का यह डिसीजन कोरोना वायरस को काबू करने में काम आएगा? कहीं ये फैसला चाइना की इकॉनमी को तो नहीं ले डूबेगा, क्योंकि नोट बदलने का एक ऐतिहासिक फैसला नवंबर 8 2016 को रात 8 बजे मोदी जी की सरकार ने भी लिया था, डीमोनेटाइजेशन। क्या लगता है भारत को इससे कुछ फायदा हुआ? कमेंट करके जरूर बताएं। चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। अंटिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखें, उन्हें ढेर सारा प्यार करें।